गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आशिमो। सो आप लोग कैसे हैं? गुड मॉर्निंग सभी को, और प्यारी प्यारी गुड मॉर्निंग। और प्लीज आप इसी तरह मेरे साथ रहे। मैं बताती हूँ मैं कहाँ जा रही हूँ। मैं बहुत अच्छे जगह पे जा रही हूँ। सी, ये मैंने अभी आधा अधूरा सूट पहना है, देन मैं इसका पूरा दिखाती हूँ। ओके गाइस, हे गाइस, तो ये मेरा फुल लुक है। मैं अभी बाल नहीं खोलूँगी, वहाँ पे जाऊँगी तो खोलूँगी। बहुत प्यारा सूट है, तो मैं जाती हूँ, बहुत अच्छे जगह पे जा रही हूँ। और प्लीज़ कमेंट करके बताओ मैं कैसी लग रही हूँ। इतना ही, टाटा बाय बाय। सो गाइस, हम आ गए बाबा की नगरी। एक्चुअली मैं यहाँ रोज़ क्लासेस जाती थी, पर मेरे पास टाइम नहीं रहता था कि मैं आऊँ। बट हाँ, मैं बोलती थी बाबा आऊँगी। अब सडनली प्लान बहुत अच्छा होता है। आई होप सो, मैं हर जगह आऊँ। सो फाइनली अब मैं अंदर जा रही हूँ बाबा का दर्शन करने। मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ से। मैं रोज़ क्लास जाती थी, बट हाँ मैं प्रणाम कर लेती थी। मैं बोलती थी बाबा ज़रूर आऊँगी आपके पास। और ये स्कूल जो भी उनके थे, प्रसाद हमने लिया और फिर मैं अंदर, हम लोग साथ में गए। हम लोग को साथ में जल चढ़ाना था। काफ़ी यहाँ का हर चीज़ बहुत अच्छा। और ये मेरे घर से 30-25 मिनट का ही बस फासला है, और हम लोग जा नहीं पाते थे। और कहाँ कहाँ से लोग आते हैं यहाँ पे। ये काफ़ी मान्यता जगह है, मंदिर है। और आई होप सो आप लोग भी जानते होंगे गरीब स्थान, जो जो कि मुजफ्फरपुर में है, तो आप लोग को पता होगा। एंड ये जल है जो भगवान जी को चढ़ाने के लिए हम लोग ने लिया, वो भी यहाँ पे कुआं, मतलब यहाँ पे कुआं है जहाँ से जल लिया जाता है और भगवान जी को चढ़ाया जाता है। बहुत शुद्ध और इतना अच्छा यहाँ का वाइब था ना। और हम लोग बहुत सही वक्त पे आए थे जब उनका सिंगार का टाइम हो रहा था। इतनी अच्छी आरती, इतना सुकून, भाई साहब मैं क्या ही बताऊँ। बट हाँ, आई होप भगवान मेरे साथ हमेशा रहते, मेरी हर एक चीज़ को विश पूरी करते। मुझे इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा ही नाज रहता है उनके लिए, और हमेशा उनका एक अलग आशीर्वाद मेरे लिए रहता है। पता नहीं क्यों उठता है, हाँ मुझे बहुत अच्छा लगता है। और देखिए यहाँ पे आरती हो रही है, बहुत सुंदर प्यारी सी आरती हो रही है। मैं आप लोग को दिखाती हूँ, रुक जाए। फिर हम लोग यहाँ पे बहुत सारे भगवान जी उनका दर्शन करने लगे। गाइस प्लीज़ आप ये मत सुनना मेरी आवाज़ अभी ठीक ठाक नहीं है, बिकॉज़ तबीयत के कारण बोल सकते हैं, या जो भी ठंड भी लगी है। तो उसके बाद हम लोग ने दर्शन किया, और बहुत अच्छे से हमारी दर्शनी, काफ़ी अच्छी मेरे को मोटिवेशन मिल रहा था। मुझे इतनी सुकून ना, मैं आपको बता नहीं सकती। उसके बाद हम लोग ने सारे भगवान जी को प्रणाम किए, सबको फूल चढ़ाया। मैंने जहाँ जहाँ हो सका मैंने वहाँ का कैप्चर किया। उसके बाद मैं दी, सब लोग पूजा कर रहे थे, बहुत अच्छी एक वाइब मिली थी। और मेरी दी तो कभी भी यहाँ नहीं आई हुई थी, उनका मन था। मैं हमेशा बोलती थी अच्छा ठीक है आइएगा, आपको हम ले चलेंगे, बट वो बोलती थी नहीं नहीं रहने तो, कभी भगवान बुलाएंगे तो हम जाएंगे। बट ये सडनली का प्रोग्राम था, बहुत अच्छा लगा कि कहीं भी एकदम से जाना भी बहुत अच्छा लगता है। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा। और देखें आप मेरे साथ हैं, देख सकते हैं हम लोग भगवान को भी कर रहे थे। जहाँ हो रहा था मैं वीडियो भी ना, इसका ये मत थी, अगर मैं वीडियो बना रही तो भगवान का दर्शन ही, वो भी मैं बहुत सच्चे मन से उनके लिए मांग रही थी। जितना हो रहा था मैं सच्चे मन से उनका पूजा कर रही थी। जितना मेरे से होता है मैं उतना करती हूँ, मैं दिखाती नहीं हूँ बिकॉज मेरे को दिखाना बिल्कुल पसंद नहीं है। बट हाँ, मैं जितनी हूँ बहुत अच्छी हूँ, मुझे पता है, और मेरे भगवान जी को भी पता है। तभी भगवान जी हमेशा मेरे साथ रहते हैं, आप लोग को पता है। और ये देखें शंकर जी और पार्वती, शिव शंकर जी, कितना प्यारा लगता है ना इनकी जोड़ी, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मतलब बहुत प्यारी। और शिवरात्रि भी आने वाली है, उस दिन तो अलग ही वाइब रहेगी। तो ये हमारा ये सारा वहाँ का जो जहाँ तक हुआ मैंने आपको दिखाया, वहाँ भगवान जी का एक बहुत अच्छे अच्छे, मतलब शंकर जी के थे, गणेश भगवान जी थे, ये आप देख रहे हो राधे श्याम जी, काफ़ी भगवान जी। एंड अभी जो हमारे राम जी आए हैं उनका भी, राम सीता लक्ष्मण, उन सारे भगवान जी का था। जहाँ तक मेरे से हो रहा था मैं कैप्चर कर रही थी, और जहाँ तक नहीं हो रहा था मेरे से
देखे हो सके तो बॉयज़ कम ही दूंगी बिकॉज अच्छी वहाँ की वाइब्स थी, तो वो एक अलग सुकून मिला था। ये देखे भगवान जी, मैं इनका भी यहाँ से ले रही थी, सेकंड फ्लोर से वो दिख रहे थे। और ये बहुत बड़ी सी शिवलिंग है, बहुत अच्छी लगी मुझे, बहुत सुंदर, देख रहे हो ना ये शिवलिंग। उसके बाद हम लोग बाहर मतलब नीचे आ रहे थे, तब धीरे धीरे हम लोग बाहर जा रहे थे कि अब जाएंगे। इसी में मुझे एक मिली, हमारे यहाँ जो रेंटर रहती है वो हमें दिखी, वो भी आ रही थी और हम लोग को नहीं पता था। इसके बाद हम लोग यहाँ पे वो पिक्चर्स वाले थे, वो बोले शूट करवा ले, मतलब एक मेमोरी हो जाए। मैंने कहा हाँ ठीक है, फ़ोन में तो सब कोई रखता है बट एक पिक्चर्स होना बहुत ज़रूरी होता है। फिर हम लोगों ने साथ में पिक्चर्स दिया, फिर दी बैठ के वहाँ पे भगवान जी का थोड़ा सा मतलब जो अर्ध ध्यान होता है वो की। फिर हम लोग बाहर निकले, वहाँ पे बहुत सारे मांगने वाले थे जो अच्छे भी थे, बहुत ऐसे थे। तो मैं ज़्यादातर उनको देती हूँ जो बुरे लाचार होते हैं, जिनके कोई नहीं है। एंड मैं वो सब मुझे दिखाना बिल्कुल पसंद नहीं है, वो भगवान को पता है। वो मैं हो सकता है तो मैं ऑनलाइन भी करती हूँ, मैं फ़ोन पे भी देखती हूँ तो मैं ऑनलाइन भी करती हूँ, और ऑफलाइन तो खैर मैं हमेशा देती रहती हूँ। और आप ये देख सकती हो बाहर का वाइब है, बहुत प्यारा है। और मैं जहाँ पे स्लीपर रखी थी वो लोग बहुत फ्री में देखते, मुझे ये चीज़ बहुत अच्छा लगा। ये हमारा बिहार है। तो गाइस इसी तरह मेरे को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।